मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वी आर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 23. आज हम करेंगे आपकी बुक से पेज नंबर 10 से है क्वेश्चन नंबर 23. राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर. क्या करेंगे? रोमन नंबर 22 जो क्वेश्चन है आपकी बुक में, 21 तक कंप्लीट हो चुके हैं पहले. 22 क्वेश्चन है, मैसूर द फॉलोइंग सिजमेंट्स. आपको इनको इसके ऐसे नाप कर इनका नाप लिखना है, बट हम ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स. आपको जो नंबर दे रखे हैं इनको रोमन नंबर में चेंज करना है. 18 का रोमन नंबर क्या होगा? 10, 15, 16, 17, 18. ये क्या है? रोमन नंबर. ओके, अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर सी 24 को कैसे राइट करेंगे? एक्स का 10, डबल एक्स का 20, एंड ये 4. तो क्या हो गया? ये 24, 12, 10, 15, सॉरी 12 राइट करना है. एक्स का 10, 1 और 2, ये क्या है? 12. 28, डबल एक्स 20, एंड 5, 25, 6, 7, 8. 25, 6, 7, 8. कितने हो गए? 28. 30 का ट्रिपल एक्स एंड 1, 31. नेक्स्ट 26, डबल एक्स 20, 5 एंड 1, 26. 39 का क्या होगा? 30 का ट्रिपल एक्स 30 और ये 9, 39. 50 का क्या होता है रोमन नंबर? ओनली एल. 50 को क्या बोलते हैं? एल. रोमन नंबर 50 को क्या बोलते हैं? एल. एज 100. 100 को ओनली सी. 100 को क्या बोलते हैं? सी. एंड 20, डबल एक्स. समझ में आ गया आपको? एक नीट एंड क्लीन नॉर्मल लाइन पेपर के आपको नोट में राइट आउट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राइट द फॉलोइंग इन इनटू अरेबिक नंबर्स. अब आपको यहाँ रोमन नंबर दे रखे हैं, इनमें आपको हिंदी नंबर दिए हुए थे, रोमन नंबर में राइट करना है या रोमन नंबर दे रखा है आपको हिंदी अरेबिक नंबर में आपको राइट करना है. ओके, अब यहाँ क्या है? 5, 6, 7. क्या ये रोमन नंबर में? 5, 6, 7. तो इनको यहाँ पे हिंदी अरेबिक नंबर में राइट करना है. 7, 10, 10, 20, 25, 6, 7, 27. एक्सेल एक्सेल में क्या होता है? 40 and 2, 42. एक्स और एल क्या हो गया? ये 40, 40, 14. 10, 11, 12, 13. क्या राइट करेंगे यहाँ? 13. 10, 5, 15, 16, 17, 18. क्या आएगा यहाँ? 18. 10 और 9, 19. एंड 30, ट्रिपल एक्स है ना यहाँ, 30, 30 एंड 4, 34. तो ये सारा आपको नीट एंड क्लीन नोटबुक में राइट डाउन करना है. राइट नाउ इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. मैं आपको बीच में क्वेश्चन करवा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, जो आपको वापस रिवाइज करने की ज़रूरत है, उन्हीं क्वेश्चन को वापस रिपीट करवा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 13, परफॉर्म द फॉलोइंग एडिशन इन योर एक्सरसाइज नोटबुक. आपको क्या करना है? इनको अरेंज करके ऐड करना है. अब अरेंज कैसे करोगे? अरेंज मैंने आपको बताया था राइट साइड से करते हैं. 1, 10, 100 एंड 1000. बस हम ले लेंगे यहाँ से 6, 7, 4 एंड 1. ओके, नेक्स्ट नंबर 6, 4, 3, 1. थर्ड 0, 7, 1, 2 एंड लास्ट 1 एंड 7. ओके, अब यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, हमें प्लस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग एडिशन करना है. आपको क्या करना है? ऐड करना है. 6 प्लस 6, 12 एंड 12 प्लस 0, 12 होता है एंड 12 प्लस 1, 13. 3 डाउन एंड 1 अपने. 7 प्लस 1, 8. 7 प्लस 1, 8.
8 plus 4 12 and 12 plus 7 बताओ क्या होगा 12 में 7 और 8 करना है 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 and 19 क्या हो गया 19 अब 19 plus 7 20 21 22 23 24 25 and 26 क्या आएगा यहां पे 26 26 का 2 down sorry 26 का 6 down में 2 up में 4 plus 2 6 and 6 plus 3 7 8 9 9 plus 1 10 अब 10 का यहां पे 0 and 1 up में 1 plus 1 2 and 2 plus 1 3 3 plus 2 5 तो इसका आंसर क्या रहा है 5063 अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 34 क्वेश्चन नंबर 34 राइट नाउ यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ मेनी 10 रुपीस नॉट मेक 80 रुपीस 10 रुपीस कितने नोटों की आवश्यकता होगी हमें 80 रुपीस बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे यहां सॉल्व करेंगे 80 अपॉन 10 ऐसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं अब 10 बन जाए 10 एंड 10 इज अ 80 कितने नोटों की आवश्यकता होगी 8 नॉट्स ओके इसका आंसर क्या आएगा 8 नॉट क्या करेंगे हम 80 अपॉन 10 यानी 80 को डिवाइड करेंगे 10 से 10 बन जाए 10 10 इज अ 8 कितने नोटों की जरूरत पड़ेगी 8 नॉट्स 10 10 की 8 नॉट से क्या बन जाएगा 80 रुपीस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी हाउ मैनी 100 रुपीस नॉट मेक 1500 रुपीस 100 रुपीस की कितने नोटों की जरूरत पड़ेगी 1500 रुपीस बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहां राइट करेंगे 1500 अपॉन 100 वेरी सिंपल क्या करना है यहां 20 है देखो 10 से 10 कट कर दिया फिर इस 10 से 10 कट कर दिया अब 1 का कोई सेंस नहीं है 1 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर क्या आएगा 15 यहां क्या आंसर आएगा इसका 15 नॉट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सी हाउ मेनी 50 रुपीस नॉट मेक 1000 रुपीस कितने 50 रुपीस नोटों की जरूरत होगी हमें 1000 रुपीस बनाने के लिए तो इसका सॉल्व यहां हम करेंगे 1000 राइट करेंगे ओके और डाउन में 50 अब यहां देखो 10 से 10 कट कर दिया ना अब यहां कोई जीरो नहीं है हम क्या करेंगे 5 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को 5 बन जा 5 एंड 5 टू सा 10 10 कट हो गया बचा एक जीरो यहां लगा दिया कितने नोट बचेंगे 20 नोट की जरूरत पड़ेगी कितने नोट्स की 20 नोट्स ओके तो ये भी आपको नोट में नीड एंड क्लीन राइट आउट करना है इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 फिल इन द ब्लैंक्स इसका ए 24 मंथ पहले मैं आपके यहाँ क्वेश्चन राइट कर देती हूँ उसके बाद हम सॉल्व करेंगे यहाँ क्या फील बन यस ओके नेक्स्ट वन लाइन गिव करके क्वेश्चन नंबर बी 120 मिनट्स इक्वल आवर एच ओ यू आर एस क्वेश्चन नंबर सी 1 leap year equal day question number D 1 by line gap करके करना है आपको 3 week day अब आपको इसमें क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन 24 मंथ 24 मंथ में कितने ईयर होते हैं अब ये बताने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं पता है सबको 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं
वन ईयर में 12 मंथ होते हैं, कितने होते हैं 12 मंथ, कौन कौन से होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, कितने मंथ हो गए 12, वन ईयर में 12 मंथ होते हैं, 24 ईयर में 24 मंथ में कितने ईयर हो जाएंगे, 12 बचा 12, 12 टू सा 24, जैसे वन ईयर में 12 मंथ होते हैं, यहाँ ऑल ओवर दे रखा है 24 मंथ और वन ईयर में 12 मंथ होता है, 12 बचा 12, 12 टू सा 24 यानी 2 ईयर, 24 मंथ में कितने ईयर होते हैं 2 ईयर। आप सेकंड क्वेश्चन 120 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, अब ये भी पता करने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि वन डे में वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं, ये मैं आपको एच के जी से बताते आ रही हूँ, वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं, वन आवर में 60 मिनट्स होते हैं, पता ना आपको, वॉच देखने सबको आती है, देखना अपने घर पे वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो अब आपको यहाँ दे रखा है 120 मिनट्स में कितने आवर होते हैं, इसके लिए हमें राइट करेंगे 120 एंड डाउन में 60, 10 से 10 कट हो गया, 6 बचा 6, 6 टू जा 12, क्या है यहाँ पे 2, तो 120 मिनट्स में कितने ओवर होते हैं 2 ओवर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, वन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, अब लीप ईयर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, लीप ईयर होता है फरवरी में 29 डेज, फरवरी में जो 29 डेज आते हैं उस ईयर को बोलते हैं लीप ईयर, और ये कब आता है आफ्टर फोर ईयर के बाद में क्या आता है लीप ईयर आता है, 4 साल के बाद वापस लीप ईयर आता है, जिसका भी जिस किसी का भी बर्थडे 29 फरवरी को आता है ना उनका 4 ईयर से बर्थडे आता है, कब आता है 4 ईयर से, क्यों, क्योंकि 29 डेज फरवरी में कब होते हैं आफ्टर 4 ईयर के बाद में होते हैं, तो वन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बताओ, एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, एक वन ईयर में डेज कितने होते हैं 365, वन ईयर में कितने डेज होते हैं 365, जब लीप ईयर आता है तो वन डे और उसमें जुड़ जाता है, क्यों, क्योंकि हमेशा फरवरी 28 डेज का आता है, जब लीप ईयर आता है ना फोर आफ्टर फोर ईयर हुआ ये फरवरी 29 डेज का हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 365 plus 1 366 days. अब यहाँ कितने डेज होते हैं, अब ये भी पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए वन वीक में कितने डेज होते हैं, आपको पता है वन वीक में कितने डेज होते हैं, वन वीक इन 7 डेज, कौन कौन से होते हैं मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, पता ना सबको, तो कितने डेज होते हैं वन वीक में 7, तो 7 × 3 7 × 7 7 × 14 7 × 21, तो 3 वीक में 21 डेज होते हैं, ओके, तो ये आपको नीट एंड क्लीन नोट में राइट आउट करना है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।